मैंने कहा था जब मैं राजा बनूंगा तो मेरे कायदे कानून आइवर से बिल्कुल अलग होंगे और मैं अपने वादे पर कायम हूँ। आइवर ने शहर के चारों तरफ दीवार बना दी, विदेशियों को आने से रोक दिया, उसने अपने लोगों से बोलने की आजादी तक छीन ली। कैटगट सिर्फ और सिर्फ व्यापार के जरिए ही तरक्की कर सकता है, जंग से बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा मानना है। ये आपकी सभा है, आपके लिए बुलाई गई है, यहाँ आप मेरे सामने जो चाहे वो कह सकते हैं और मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं खुद को आपका सेवक मानता हूँ। कौन है ये लोग? मैं जानता हूँ ये लोग कौन। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से आइवर का साथ दिया। ये सब उसके अंगरक्षक थे, उसका हर हुक्म मानते थे, वो चाहे कितना भी जालिमाना और गिरा हुआ हुक्म क्यों ना हो। इन्होंने अपने जमीर को मार कर उसे पूरा किया, बिना सोचे समझे, यहाँ तक कि अपने परिवार के खिलाफ भी। इन्होंने उसे जिंदा जला दिया जिसने इनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की। सौरा नाम की लड़की को भी जला दिया जिसे मैं प्यार करता था। सच है ना? तो ये लोग गुनहगार हैं और इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? ले जाओ ये यहां से। देखा बयान, राजा को अजीब फैसले भी लेने पड़ते हैं। ये सब लोग गुनहगार हैं, इन्होंने अपने लोगों के साथ अपराध किया है, आपके साथ, और मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं कि इन्हें मौत की सजा दी जाए, पर कुछ सजाएं मौत से भी बुरी होती हैं, बहुत बुरी। मैं इन्हें तड़ीपार कर दूंगा, इन्हें पूरी जिंदगी के लिए, हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। ये जंगलों और दूसरे सुनसान इलाकों में भटकते हुए अपनी जिंदगी को कोसेंगे, इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, इन्हें जंगली समझा जाएगा और इन्हें जान से मारना कोई अपराध नहीं होगा। ये मौत से भी बुरी सजा है। ये भूतों की तरह भटकेंगे और इंसानी समाज से हमेशा के लिए बेदखल हो जाएंगे। ये हर रोज अपने फैसलों और जुर्म के लिए रोएंगे और खुद को दोष देंगे, पछताते रहेंगे, मगर फिर भी प्रायश्चित नहीं मिलेगा। ऐसा मेरा फैसला अगर आपको मंजूर है तो हाँ कहिए। फिर हो गया फैसला। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। मुझे भी ये उम्मीद है, आइवर उन्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन मैं आइवर नहीं हूं।
किसी को क्षतिया वो वाइकिंग है, उसका नाम आइवर है। शराब के नशे में इसने सबसे कहा कि ये राजा था। Si je ubruzume ne koroli, i pute ne jako koroli dejte. क्या कह रहे हैं वो? Privezemo to Kieva. मैंने इसकी खबर दी, मुझे इनाम चाहिए। कौन है ये लोग? रूस। वो बहुत घटिया इंसान है, काफी कंजूस है इनाम के मामले में। कहां ले जा रहे हैं मुझे? अपनी राजधानी में, जिसका नाम है कीव। इनका राजा कौन है? राजकुमार ओलेग है, ईश्वर का दूत। ईश्वर का दूत? क्यों ईश्वर का दूत? उसे देना कुनिया सुनामी मशीन। Что тебе? ये लड़का अपंग है। И хромище, и короли. Дивиносен. Уедем.